Welcome back, ATV morning, morning और आज ATV पर आप अयाज के साथ जो ब्रंच देखते हैं ब्रंच विद आयास। उसके अयाज अहमद मेरे साथ मौजूद क्या बात है? मैं आयास? आपको बताऊं? फिर मैं फैन हो गया एक अच्छा चीज़ का। ये ब्रंच जो है ये होता है उसमें शो में कि हाँ, हाँ, में हम के शेफ के पास चले जाते हैं फिर वो हमें ब्रंच में जो चीजें बनाई जाती है या खाई जाती हैं वो फिर वो हमें बताते हैं वाह वाह क्या आप क्या खूबसूरत गाना मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये एफएम पे लगाना शुरू कर तू लगाना शुरू कर जबरदस्त इसकी शायरी हम आपको इसकी देते हैं हमारा ये जो शो है इस वक्त जो कि आप सुन रहे हैं देख रहे हैं ये हमारे एफएम पे ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है अच्छा तो so, हम इस वक्त बैक वक़्त सुने जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं कौन से पे सुने जा रहे हैं टीवी का जो भी प्रोग्राम होता होता है है वो साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। आपका प्रोग्राम भी शायद चल रहा होता है वो आपको नहीं आपने खबर नहीं रखी होगी अच्छा कराची में मेरे ख्याल से नहीं है फिर इस्लामाबाद में नहीं कराची में भी है मुझे कराची से कई लोगों ने बताया की हमने आपका ना आप आजकल कल एफ कर रही है हमने आपको एफ पे सुना था तो हाँ। मैंने कहा मैं एफएम तो नहीं कर रही फिर मुझे पता चला कि ये हमारा जो शो है ये साथ साथ हमारे एफएम एफ एम पर जी ब्रेकिंग न्यूज हो गई आज इस शो के थ्रू तो हमें पता लग गया है कि एफएम पर भी आप सुन सकते हैं और ए टी वी तो आप देखते ही रहते हैं हाँ। नहीं है आप हर जगह क्या आप भी छाए हुए हैं सर मैं तो बादल भी तो तो चल रहा बादलों की तरह चल रहा हूँ जैसे बादल छाए होता है वैसे आप छाई नहीं मैं क्या बात है आपकी अच्छा अयाज आज कल तो पहले तो नहीं था इतना ना तो स्पॉटिफाई था ना फिर इतने यूएसपी थी या मतलब इतने चैनल्स थे कि जहाँ पे आप गाने सुन रहे तो एफ चल रहे थे बिल्कुल अब तो हर बंदे के पास एक अपना सिलेक्शन होता है एक अपना अच्छा कलेक्शन होता है। मैं बता रहा अब वो वाला क्रेज नहीं रहा जैसे पहले होता था लोग भाई नीचे आके खड़े होते थे भाई हयात साहब नीचे उतरे या फलाना जो भी थे वो आके उतरे तो उनसे ऑटोग्राफ तस्वीरें तो बड़ा माहौल होता था अब वो चीज़ नहीं है अब लेकिन ये बात है जो अच्छा काम कर रहा है उस बहरहाल उसकी बर्थडे पे तो लोग आ ही जाते हैं कम से कम मिलने को ओकेजन हो तो वो मिलने आ जाते हैं लेकिन ये है कि नो डाउट वो वाली फीलिंग्स अब थोड़ी कम होती जा रही है जैसे आपने स्टार्ट किया या मैंने स्टार्ट किया टू अर्ली टू की बात मैं कह रहा हूँ तो उसमें एक क्रेज था लोग जो होते बड़े फैन होते थे अब वो चीज़ नहीं है बस अब आहिस्ता आहस्ता बस चल रहा है अरे कभी किसी का फैन मोमेंट जो आपको याद हो मुझे ज्यादा एक, एक, एक दूसरे बंदे का अच्छा, नहीं, अपना मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा। सर माहौल उसके अंदर मैंने उसको इन्जॉय किया एन्जॉय थोड़ा अफसोस भी हो मुझे एक्सपो में ना वो लगी एग्जीबिशन हो रही है हमारे कराची में ना तो स्टॉल एफ हंड्रेड का भी था तो उसमें एक खातून आई अब वो मुझे संडे में इसमें देखती रहती थी तो वो पहचान गई ओ आज क्या है ठीक ठाक ऑटोग्राफ तस्वीर वो फलाना वो आर एफ एम पे बड़ा वो कैसे है और कहाँ है अब वो उस कहीं पानी वानी लेने कहीं निकले हुए थे या कहीं तो मैंने कहा इधर ही है आ जाएंगे वो अच्छा मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी आवाज़ की ये वो मैं उनको मिलना चाहती हूँ तो ये तो मैंने कहा ठीक है अभी दो मिनट रुके हैं आप अभी आते हैं तो वो दूर से लंबे कद के थे वो छः फुट कुछ इंचज के तो दूर से वो चलते हुए आ रहे हैं माशा एफ पे बैठ बैठ के थोड़ा सा तो बदना इतना लंबा कद और बद्दा हो जाए तो वो अजीब सा होता है तो चलते हुए आ रहे हैं तो जैसे ही उन्होंने पता नहीं कोई खाफ सजाया हुआ होगा शहजादे का तो जैसे ही उन्होंने उनको देखा ना मैंने कहा ये है वो ये हैं अच्छा ठीक है और ये कहती वो निकल गई तो मुझे इतना अफसोस हुआ मैंने कहा देखो ये आरजे के लिए ऐसे और आरजे बेचारा भी तो बनाता होगा ना जहन में कि कितनी खूबसूरत आवाज है स्कॉलर की वो अंदर से कैसे निकली हो ऐसा हाँ। दो दफा मेरे साथ हो चुका है हाँ। हाँ। हाँ, मैं इतना हाँ। से अच्छा तो क्या मतलब कॉलर से भी होती है आवाज और मिलने आऊंगी अब बंदा सोचे की इतनी हसीन आवाज है तो बंदी भी हसीन होगी अंदर से लेकिन जब वो सामने आई तो माशा

नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं वो। अपनी मरी इंसान कहते हैं यार मेरा दिल देखो हाँ। मेरी तबियत देखो तो 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 कहता है और का होता है एक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फैंस के साथ शादियाँ की अच्छा ये वाला इस मामले में थोड़ा मैं बोला आदमी हूँ क्यों

कि इतने सारे रोमांटिक गाने प्ले करते आगे हुए आगे। हाँ। इतने सारी मोहब्बत भरी बातें इतनी आवाज़ में हो क्या एक तो मुझे ही नहीं समझ आती आप लोग आवाज़ को क्या करते हैं जब आप वहाँ पे मैं ऐसा मैं वो वाला आर्जे नहीं हूँ असलम और बिल्कुल बेस हाँ, डाल के डब्बा अलग हाँ, से डालते हुए हाँ, इसका मैं हाँ, नॉर्मल मुझे तो रखा हुआ इसलिए मेरी बातों की वजह से उन्होंने हाँ। मेरी आवाज की वजह से नहीं रखा कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी तो आप इसलिए आरजे मुझे इसलिए रखा हुआ कि तुमने सही मार लेते हो तुम चलो इधर ही बैठे रहो हाँ। तो मुझे इसलिए रखा तो रोमांटिक तो गाने तो चलाते हैं यार अच्छा रॉक गाने भी लगा ले रॉक भी रोमांटिक होते हैं हर चीज में रोमांटिक ला रही ना किसी में इंस्ट्रूमेंट बज रहा है बहुत अच्छा ये बात क्या बात है महंगाई ने जो इंस्ट्रूमेंट बजाया हुआ उसका तो आप सोचे नहीं

जितना आप वर्ष कोई चीज कर सकते हैं आप करें तो आप रिकमेंड करते हैं उड़ी उड़ी जाए करना चाहिए वो तो माशाल्लाह वैसे भी आपकी तो गुड्डी चढ़ी हुई है उड़ी आ, उड़ी अच्छा अच्छा नहीं नहीं चढ़ी हुई कहाँ माशा शो करने का मतलब गुड्डी चढ़े होना बंदा दिल थोड़ा तो मुतमन कर ही लेता यार कुछ तो अचीवमेंट है हाँ ना शुक्र होना भी एक बयान बताऊँ ये भी गलत नहीं नहीं शुक्र अलहमद करोड़ दफा अनगिनत बेशुमार बेहिसाब बेहिस गुड्डी चढ़ी हुई है की नहीं हाँ बिल्कुल ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात बनी हुई है बात अब तक बनी लेकिन है लेकिन टिकटॉक पे मैंने जो आपको मशवरा दिया ना उस पे आपने अमल किया वो तो मैं अभी कर रही हूँ ये जरा डिसेंट वाली वीडियोस बनाती है मैं इन्हें कहती हूँ कि जरा डिसेंट से बात का तालु खत्म हो जाना चाहिए जितना आपने कमा लिया डिसेंट से हो गया कैसे बदले बंदा आदमी अपने आप अब ये मैं भी सोच रहा हूँ आपको कोई टिप मिले तो मुझे भी बताइएगा है क्योंकि ना? वो बचपन से वो चीज फीड होगी हाँ. अब गलत बात पे आती भी है ना तो नहीं वो फीड होने की ज्यादा हमारी मतलब जो लोग बताएं वही हो आपका अपना भी तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो होगा ना यार बिल्कुल कोई तो लोगों का आपने लेवल तय किया होगा ना कि भाई ये हद है इससे नीचे नहीं जाना या यहाँ तक जाना इससे आगे नहीं जाना

के मेरे दोस्त थे वो वो शूटिंग करते है तो उनको देख के मुझे भी भी अच्छा लगता था चलो भाई भी, हम भी। तो इसी तरह काफी सारे दोस्त हैं मानी है दानिश था तो इनके ड्रामों में कॉमेडी कर अच्छा कॉमेडी की ऐसी चाप पड़ गई मुझे कॉमेडी में बोलता रहता हूँ यार मेरा मुँह इतना सीरियस है कम से सीरियस रोल तो करा लो खैर मोसन तलत ने कराया मुझसे घर तितली का पर में लेकिन उसके बाद हराम है जो कोई मुझे सीरियस रोल दे रहा हो उनका नहीं लोग आपको संजीदा लेने के लिए हालांकि मैं इतना संजीदा शो कर रहा हूँ देखिए आप मजाक कम आज कोशिश की है बिल्कुल सीरियस रहे हाँ. लेकिन कोई नहीं सीरियस ले रहा

और मूवी देख ली या घर में होता हूँ खामोश रहता हूँ हालांकि लोग बोलते हैं अक्सर कभी तकरीब में भी चला जाता हूँ ना तो मैं दूसरों को सुन रहा होता हूँ तो वो अक्सर हाँ तो रेडी वो इतना बोलते हैं अभी क्यों नहीं बोले रहे अभी मैंने कहा मेरे का, का चाबी भरी भी है जो मैं वक्त बोलता रहूँगा वो जगह होती है बोलने की और जब बंदा जगह से या उस एटमॉस्फेयर से हट जाता तो मैं कोशिश करता हूँ सीखूँ लोग क्या बोल रहे हैं किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं कौन से स्टाइल में बोल रहे हैं तो वो जरा मुझे अच्छा लगता है अच्छा लगता है और मुझे सुनना ज़्यादा अच्छा एक मतलब एक अच्छे होश की निशानी मुझे ऐसा फील होता है hmm. अच्छा लिसनर होना बड़ा जरूरी है hmm. अगर आप अच्छे लिसनर है ना तो आप अच्छा कंडक्ट भी कोई चीज़ कर सकते हैं आप किसी hmm. दूसरे को सुने उसमें से फिर hmm. आप बात निकालते हो hmm. वो ज्यादा अच्छा है मगर अच्छा। मुझसे ज्यादा तजर्बा आपका आप घर वालों को कैसा लगता है जब आप मतलब घर में नहीं बोलते और बाहर बहुत बेतक आई गंगाओं के घूम रहा हूँ घर में बोलते रहते हैं ऐसा बात नहीं लेकिन ये है कि जाहिर वो भी समझते हैं कि शुरू शुरू में जरूर फील किया होगा लेकिन फिर बाद में वो जब यूज्ड टू हो जाते हैं कि यार ये इस नेचर का है तो वो सही है लेकिन मैं तो बोलने वाला नहीं हूँ। अच्छा लोगों का का लोग समझते हैं कई दफा फिर आजकल तस्वीरें भी लगाते बड़ी ये तो है यहाँ पे तो यूं है तो वैसे तो यूं आप ये देखे ना सिंपल साधा आपके शो में भी तैयार होकर नहीं आया टी शर्ट पहनी और मेरी लाइफ स्टाइल ही वैसे ऐसे ही है ईद वीद के कोई शो है या कोई ऐसा है वो उसमें बंदा चलो तैयार हो गया लेकिन नॉर्मल लाइफ मेरी

मुझसे नहीं होता कि आप इतनी अपनी केयर इतना भी क्या यार करना चाहिए ना हाँ, लेकिन ये खातन के लिए मखसूस था आज तक नहीं, नहीं बम्बई लिबास बड़ा पेटी होती है बंदा पीछे पकड़ के आ रहा होता हाँ तो वो नाम नहीं बता रहा मैं न पता है सब सब पता है अच्छा आपको क्या पता है आजकल के दौर की सबसे बड़ी कमाल बात यह है कि लोगों को वो बातें भी पता है जो आपको खुद अपने बारे बात ना? ये बात है है ना बात आप खुद भी नहीं जानते होते अच्छा आपको खुद भी लोगों से पता चलता है अच्छा ये बात है सही बात है और आपको इतनी आपको, आपको कि कभी लोगों आपको कभी कोई लोगों से कोई ऐसी बात पता चली और आप बड़ी शौक हो गई कोई ऐसी कोई मेरे तो रोजाना एक बात पता चलती है मैं बहुत शौक हो जाती हूँ मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती एक दो बात है मैं मैं बता ही नहीं सकती मुझे अच्छा, मेरा मेरा एक मेरा एक, एक जिंदगी का एक असूल है कि बुराई को रद्द करो और अच्छाई को बयान करो लेकिन कोई ऐसी बात ताकि लोग भी सीख सकें कि यार देखो इसने कैसे मतलब इसमें अगर कुछ सच होगा तो मैं अपनी जबान से बता दूंगी कोई ऐसी बात जो जो बड़ी पॉपुलर हो गई हो जो लोगों ने मशहूर कर दी हो और आप ऐसी नहीं थी क्या मेरे बारे में कुछ मशहूर ही नहीं हुआ उल्टी सीधी बातें मशहूर हुई हैं वो तो पर्सनल तो बातों को लेके अच्छा। और मैं उस तरफ जाती ही नहीं हुई इस तरह कि मुझे लगता है कि नाना ऑफ बिजनेस एंड मैं जानूँ मेरा खुदा जाने मैं नो एक्सप्लेशन नीडेड तो लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस मामले में ज़रा कोई हद, हद की हदूद की पाबंदी नहीं करते कि यार

किसी जगह पे चले जाए हर जगह पे लोगों ने फोन लिखे हुए चीज़ें मतलब आ, आप पब्लिक प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल ही नहीं पता है कि उसका है। मतलब ये नहीं है कि जिस काम के लिए है वो उसी काम के लिए है उसके अलावा किसी और काम के लिए नहीं है ये अच्छी बात है, है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना ये चाह रहा था लोग जरा जानना चाहते हैं कि यार इनकी लाइफ में क्या है आजकल क्या चल रहा है अब कैसी लाइफ गुजर रही है उनकी तो उनका इंटरेस्ट हो जाता है तो थोड़ा बहुत बट उनका जानना भी स्टार तो फिर हॉलीवुड तो तो ये कम है क्या हॉलीवुड ये तो ये उसको ज्यादा तो लगता है, से है। अच्छा? किस से लगता कम से कम आपको लोग देखते तो रहे ना अच्छा हॉलीवुड का तो नाम भाई हुआ हुआ सातवें आठवें आसमान पे हम हमें क्या

सौ में से अगर दस आपको पसंद करेंगे तो बीस 25 पच्चीस लोग बुरा भी बोलेंगे आपको तो तो उसके माइंड माइंड नहीं करना चाहिए आप आप अगर वो 20, 25 बुरा कह रहे हैं, तो आप अपने आप को इस तरह करें कि उनका चेंज हो और आपके लिए वो पॉजिटिव बिल्कुल, जब ये ए बहुत सारे बैठे होते थे उसके बाद ये एक हायर किया पूरी एक प्रोग्रामिंग चेंज हुई आउटलुक चेंज हुई चैनल की तो ऐसे जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ था जो लोग काम कर रहे थे और उनके जो फॉलोअर्स और फैंस थे उनको कुछ नया अच्छा नहीं लगा ठीक तो इसी तरह मैं भी आपकी तरह कॉल्स ले रही थी ना एक कॉल आई एक की सही भाई उसने क्या बातें की और मैं इसी तरह ऑन एयर लाइव बैठे हुए हैं और टेलीविजन है ये भी नहीं है कि आपका एक्सप्रेशन आपकी एक्सप्रेशन भी है ठीक। तो मैंने से मैंने उसकी सारी बातें सुनी है मैंने से कहा थैंक यू वेरी मच आप स्विच कर दें

सीख जाते हैं तो आम जिंदगी में फिर वो उसका असर हो जाने लग जाता बिल्कुल सही तो मैं तो कोशिश करता हूँ भाई ज्यादा गुस्सा ज्यादा हाइपर वैसे आजकल के बच्चे हाइपर हो रहे हैं इसमें आपने आपने नोट किया कि नहीं हाँ मैं छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को देखता हूँ बड़े हाइपर हो रहे हैं इसलिए कि हमारे इर्द मेरा ख्याल है सारी चीजों की जो बम्बारमेंट है

You're the